हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले बोल रही है। इसी बीच कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मेजर ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन देने की बात कही थी जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार बताए कब तक इस योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार दूसरे देशों का उदाहरण देती है लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है और यह योजना भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। आज मीडिया के जरिए हम अपने एक्सर्समेंट के जो इश्यूज है सारे लोगों तक पहुँचाना चाहता था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप सब ने जो ये कवरेज की है उससे सैनिकों का जो दुख दर्द है वो इस सरकार तक, प्रदेश की सरकार तक और हर लेवल पर पहुंचेगा। मैं इसके लिए आपका सबका धन्यवाद करता हूं और कुछ आपके रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुद्दे जो हैं इनको सही रूप में जिस तरीके से हमने कहा है जनता तक पहुँचाया जाए। देखिए सबसे पहली बात तो हमने जो अग्निपथ योजना लाई है सरकार उसके ऊपर हमने कहा है कि ये हमारे प्रदेश के सैनिकों के जो युवा हैं उनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है या पूरे देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर आप ये लेके चलें कि हमारे तकरीबन 4,200 नौजवान सेना में हर साल जाते थे, अभी ऑल इंडिया ऑल क्लास होने के बाद हमारे 400 या 500 से ऊपर जवान सेना में नहीं जा पाएंगे। उनमें से भी 75% मतलब तकरीबन 300 नौजवान जो हैं 4 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे। तो आप ये देखिए, आप लोग भी कोई लोग गांव से आते होंगे, एक गांव से 4 लड़के जाएं और 3-4 साल के बाद 3 लड़के घर वापस आ जाएं रिजेक्ट होकर, उनके दिल में मलाल होगा कि उनके दिल में देश की भावना होगी? मलाल ये होगा कि मैंने वही रिटन टेस्ट पास किया, वही फिजिकल टेस्ट पास किया, अच्छी तरीके से नौकरी की, मुझे किस बात पे बाहर निकाला गया? तो युवा के दिल में गुस्सा होगा, ना कि देश के लिए प्रेम की भावना होगी। और आप ये लेके चलिए, दूसरा जो हमें ये है वन रैंक वन पेंशन का इशू लिया है जिसको कि हमने विस्तार में बतलाया, जो ECHS की फंडिंग है उसके बारे में बात की। एक और पहलू जो मैं अभी बताना नहीं बताया है वो है हमारे 2014 से पूर्ण जो हमारी पहले जो हमारी CSD की एंटाइटलमेंट्स होती थी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की, उनको पूरी तरह से कट किया गया और अभी ऐसे लिमिट लगा दिए गए जो कि हम अपने परिवार के लिए बहुत कमी महसूस करते हैं। जो कैंटोनमेंट्स हैं उनको खोल दिया गया, कोई भी सिविलियन जाए अपना आधार कार्ड दिखा के अंदर जा सकता है। आधार कार्ड बनवाना इस देश में कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कोई भी टेररिस्ट अगर उस सिविलियन के भेष में अंदर चला जाता है और हमारे परिवारों को नुकसान, हमारे फौजियों को नुकसान पहुंचाए, ये बातें जो है हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, इसको वापस लेना पड़ेगा बिल्कुल 100%। ये आप कमिटमेंट है कांग्रेस की जो पूर्व में अध्यक्षा रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमें बताया है, वो भी यहाँ पर आएंगे, ये पूरी तरह से ख़त्म की जाएगी और पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको लागू किया जाएगा। 2024 में हमारी सरकार आएगी और आदि नहीं, ये बात बरगलाया जा रहा है आपको। देखिए 14 लाख की सेना है, 14 लाख की सेना में 75% अग्निवीर होंगे, तो आप लेके चलिए तकरीबन 9 लाख से ऊपर अग्निवीर होंगे। तो अगर SSB की तरह उनको काम कर रहे हैं तो बाकी क्या 3,25,000 की जो सेना परमानेंट रह जाएगी वो देश का दिफा कर लेगी? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये बातें कर रहे हैं कि ये बाकी देशों में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, USA में भी है, इसराइल में भी है। देखिए वो देशों की स्थिति, भौगोलिक स्थिति हमारे जैसा नहीं है,
एक तरफ 3,700 किलोमीटर की LAC है चाइना के साथ में, आए दिन पूरा असम पूरा अरुणाचल हर चीज़ को क्लेम कर रहा है, अंदर आके गांव बना रहा है। मुझे मालूम है किस तरीके से हम उनसे लड़ रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में गलवान में क्या हुआ, हमारे सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन लोगों को वापस खदेड़ा। तो ये क्या SSB जैसे जो लोग हैं ये कर पाएंगे ये देश का दिफा? आप ये लेके चलिए जो एक एलिमेंट ऑफ पावर होता है ना, सेना देश का सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है। अगर देश की सेना तगड़ी है मजबूत है तो आप लोग सुरक्षित हैं, कारोबार सुरक्षित है, घर में बैठी महिला सुरक्षित है। लेकिन अगर हमारी सेना मजबूत नहीं है तो आपने अफगानिस्तान का एक नमूना देख लिया है कि लोगों को हेल्प हवाई जहाज के पहियों के साथ लटक के भी भागने का मौका नहीं मिला। 48 घंटे में तालिबान एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन ने वो देश पे कब्जा कर लिया। तो देश की सेनाओं को तो मजबूती तब आएगी जब हम यहाँ पर परमानेंट नौकरी होगी। एक अभी मैं गौंट में गया था चौपाल में, जो एक लड़का शहीद हुआ है उसके घर जाके आया मैं, वो भावना तब है, उसका फादर कहता है गर्व से कि मेरा बेटा किसी देश के काम आ गया, उसने हमारे चौपाल का नाम ऊंचा कर दिया, ये भावना है। लेकिन अग्निवीर की इसमें कोई नहीं करेगा। इस देश की विडंबना ये है कि 20-25-28-30 करोड़ में IPL का खिलाड़ी बिकता। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।